अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करते ठाक ठाक होंगे। यहाँ से यार मेरी जबान हकीकत में अड़ जाती है, पता नहीं ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अभी जनाब सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ करने वाला है। अभी मैं अपने चारे को चक्कर लगाने के लिए आया था, मैंने कहा कहीं रात को चोर तो नहीं पड़ गए, लेकिन शुक्र है खुदा का कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चोरी वगैरह होती रहती है यहाँ पर चारे की, खासकर बाकी कोई नहीं, अल्लाह तआला कर्म करेगा। अभी हम जनाब शाही किले के अंदर दाखिल होने वाले हैं। अभी सिर्फ भैंस का दूध निकाला है। दूध निकालने के बाद जनाब रात को थोड़ी बहुत हुई थी बारिश, बारिश कुछ इस तरह हुई थी कि 9-10 का टाइम था उस वक्त ना, बादल तो ऐसे कल दिन के ही थे, लेकिन रात के जब 9-10 बजे ना, उस वक्त जनाब बादलों ने अपना रूप दिखाना शुरू किया है। थोड़ी सी रिम जिम मतलब लगी रही है, जैसे कि ये थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप, इतनी सी हुई है। तो फिर हमने लकड़ी वगैरह कुछ अपने अंदर रख ली, बाहर पड़ी थी ना, मैंने कहा भीग गई तो सुबह नाश्ते के लिए बंदा रह जाएगा, फिर गीली लकड़ी जलती नहीं है। कुछ इधर रखी थी, कुछ ये उठाकर यहाँ पर रखी थी, ये मैंने बाहर निकाल दिए। अब सबसे पहले तो इसको काटते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर दूसरे काम करेंगे, कुछ जानवरों को नाश्ता कराएंगे और कुछ करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले तैरा को उठाते हैं, तैरा मुझे लगता है अभी सोई हुई है। ये है जनाब हमारी मुर्गियों की फीड, सबसे पहले तो इनको फीड करवाते हैं, आ जाओ हो, उसके बाद फिर जनाब दूसरे काम, आ जाओ तो नहीं चाहिए ना आज खाओ। हां जी अट गए हो, नहीं तो मैं उठाना आ गया सी तेनू, स्पेशल उठाना सी तेनू आज मैं आके, हैं तू चंगा टाइम बीमार तो की होई है, तू उठना ही बंद करता है मी। वैसा भी जनाब सोए, वाह सही है, इन्हें घनी सर्दी लगती है। सर्दी इतनी नहीं है, अलग है बारिश, अलग रात को हुई है, लेकिन ना वो बादल जब होते हैं, जब बारिश का इम्कान होता है ना, उस वक्त सर्दी कम लगती है। वैसे अगर बारिश रात को ना होती तो फिर सर्दी ज्यादा लग रही थी। अभी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सूरज ने भी शहशारा मुबारक दिखा दिया, लाला दिखा दिया है, माशाल्लाह अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये जुमा की जड़ी है, जुमे की जड़ी कहते हैं कि जुमे या जुमे रात की जड़ी हो तो ये पूरा हफ्ता रहता है, लेकिन ये तो कल हुई है, इसके बाद आज खत्म होगी, बाकी कोई नहीं कर्म करेगा इंशाल्लाह। इन मुर्गियों ने तो जनाब खाया नहीं है, अब दूसरी मुर्गियों को निकालते हैं, वो जनाब खाएंगे, ये अच्छी बात। आई 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 आई, अब जनाब जानवरों का नाश्ता टोटली हो चुका है, अब हम खुद का नाश्ता करते हैं, लेकिन फिर काटते हैं, उसके बाद नाश्ता जो हम करने लगे हैं आज वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी ना लकड़ी जो है ना वो काट ली माशाल्लाह, ठंडी ठंडी थी, बड़ी मुश्किल से कटी, क्योंकि हाथ से नरम मुलायम बंदे हैं तो इन कमों में फंसे हुए हैं, बाकी कोई नीला कर्म करेगा इंशाल्लाह। तो अभी जनाब जलाते हैं आग और फिर सेकते हैं और फिर खाते हैं। चलो पकड़े, मैं दही निकाल के ले, रात को जमाई थी, देखते हैं वो बनी है या नहीं, अगर बनी हुई तो फिर नाश्ते करने का मजा ही आ जाएगा। बन गई जबरदस्त वाली जमी, बेटा जी पुत्र तेरा मुंह वैसे खुला होता है, नासा बंद करने की जरूरत ही कोई नहीं, ते साथ दूध ले लेना, चल उठ जा। उठ उठ उठ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आग जला दी हमने, अभी जबरदस्त वाला यहाँ परोठा बनाया जा रहा, बरकत जल्दी से। दूध ना काढ़ा पी लो, देसी घी के परोठे, वाह ये हम ऊपर लगाते हैं, कोई थोड़ा बहुत गटा मिट्टी हो ना वो उतर जाए, वैसे हमने वॉश करके लगाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जब इसको गर्म करते हैं ना तो ऊपर सड़ बुझ जाता है थोड़ा आटा, उसको उठाने के लिए साइड पर फिर घी लगाकर आटे के ऊपर फिर ऊपर मारते हैं ताकि सट हो जाए। कुछ औरतें होती हैं जो ये ना आवाज नहीं करती, ये आवाज के बगैर ही मतलब रोटी बन जाती है, कुछ ठप 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 के बाद पता नहीं क्या मसले मसाले, मुझे कराग बड़ी तेज होगी, चेक करो गर्ल रोटी ला ला गर्ल, ये जी बीबियां नसीब नाल नहीं मिलती। माशाल्लाह। अब रोटी हमारी रेडी हो गई है और अभी दही चारा बरकत, दही निकाले स्पेशल वाली, ओली साइड तो चाह ना, नहीं तो चाह ना, बड़ी बेईमान है।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। परोठा साथ में दही है, उस पर चीनी जबरदस्त वाली, जबरदस्त वाली। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यकीन मानो मजा आ गया नाश्ता करने का। दही के साथ चीनी डाल के मजा आ गया, साथ में थोड़ा सा सालन हो। हमारे पेट पूजा होगी, सारा बरकत एंड पे खाएगी। चुत्ती की तू नहीं तेरी कैसा लगा ये तेरी दाल यार की तू नहीं। मैं अपनी सुवानी मार चला यार, तेरी सुवानी तेरी जो दीदी दी है। यस अभी अवैस और तारा जो है ना वो गाँव गए हैं जनाब। मैं खेला यहाँ पर ना बुद्धों की तरह ऐसे ऐसे फिर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस कर रहा हूँ क्योंकि तीन हम बंदे हैं, तीन में से दो या गायब हो जाए तो फिर एक बंदा ना वैसे बुद्धू लगता है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि वो आ जाए आ जाए आ जाए, उनके पास मोबाइल भी नहीं कि बंदा कॉल करके कह देता कि आ जाओ बहुत हो गया, चलो देखते हैं कब तक आते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आप हमारी वीडियो जो है ना पूरी देखा करें, तो हमारे जहीर खान भाई हैं वो जनाब थोड़ा शायद गुस्सा कर गए। वो कह रहे हैं जनाब वीडियो इनकी ऐसी देखनी है जैसे जनाब ये हमारे कमेंट्स देखते हैं, उतनी ही वीडियो इनकी देखनी चाहिए। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है, हम आपका दिल शायद दुखा रहे हैं, नहीं दुखा रहे यार, कमेंट्स हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, और जवाब भी हम देते हैं यार। अब देखें आपका कमेंट्स पढ़ा है तो अब जवाब दे रहा हूँ ना, तो बाकी आप बदला ना लें हमसे, मेहरबानी बहुत शुक्रिया। बाकी अल्लाह तआला करम करेगा इंशाल्लाह, बाकी आप वीडियो हमारी पूरी देखिएगा। हमारे एक सिस्टर हैं, उनका नाम है महक नूर की नाम से उनकी आईडी है। वो कह रहे थे कि इससे अच्छा जो पुराना घर छोड़कर आए ना वो मतलब ठीक था, वहाँ इतना कुछ आपने बनाया था। सिस्टर वहाँ हमने कुछ नहीं बनाया था, वहाँ एक तो अगर वहाँ रहते तो दूसरे नंबर पर एक वहाँ पर चार दीवारी नहीं थी, ठीक हो गया, और हमारी सीधी बात इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम चार दीवारी बनाते, और दूसरे नंबर पर वहाँ पर भैंस के लिए जगह भी नहीं थी, ठीक है, वो भी हमें खुद बनाना, एक कमरा बनाना पड़ना था, वो कम से कम थोड़ा भी करते ना तो 1,00,000 कम से कम लग जाना था एक कमरा बनाने के लिए। और तीसरे नंबर पर वहाँ पर कुछ एक दो और चीज़ें थी जो मतलब के हमारे लिए अहम थी, लेकिन वहाँ वो भी मौजूद नहीं थी, इसलिए फिर हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ पर चार दीवारी भी है, उसके अलावा भैंस की जगह भी यहाँ पर बनी हुई है, तीसरे नंबर पर टोका वगैरह पहले ही लगा हुआ था जो चारा काटने के लिए होता है, वहाँ पर हमें वो भी लेना पड़ना था। तो आप खुद सोचें फिर वो बेहतर था कि यहाँ ये बेहतर है, बस ये बातें बाकी को नहीं। और दूसरे नंबर पर कमरा एक था, उसके आगे बरामदा भी नहीं था, यहाँ पर दो दो कमरे आगे बरामदा है, चूल्हे की जगह भी वहाँ पर हमें बनानी पड़नी थी। यहाँ पर चूल्हे की जगह का भी मसला नहीं है, बरामदे के अंदर हम आग जला देते, वहाँ पर चूल्हे की जगह, भैंस की जगह, चार दीवारी, वो सब कुछ करना पड़ना था, और कम से कम 3 से 4 लाख तो कहीं गया ही नहीं ना। तो बस ये हमारी मजबूरी थी, वरना हम शायद वो छोड़ कर ना आते, बाकी कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। एक और हमारी है बहन, उनका कमेंट आया हुआ था कि जो मुर्गियां अंडे देती हैं उनका अंडे मतलब कि आप खुद यूज़ करते हैं या मालिक मकान देते हैं। भाई मालिक को देते हैं वो मुर्गे, देसी मुर्गे हैं, सील मुर्गे हैं ये, अंडे मतलब कि आम अंडे नहीं है, तो इसलिए हम उनकी मतलब कि उन्हीं को देते हैं, तो बाकी हमें भी जरूरत नहीं है। जब हुई तो उधर हमारी मुर्गियाँ हैं, वो आबिद भाई के पास ही हैं, वो अंडे जैसे निकालेंगी वहाँ से हम अपने लिए ले आया करेंगे, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें शायद ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले अंडे फ़िलहाल हमारे भाई के हैं जिनके हाँ हम रह रहे हैं, हमारा इस पर कोई हक नहीं है। अरफाना बतूल हमारी सिस्टर है, वो कह रही थी कि आपके घर में इतने चूहे हैं तो हर चीज़ धोकर यूज़ किया करें। सिस्टर हम ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं करते कि वैसे ही उठा लेते हैं और खाना शुरू करते हैं, नहीं, हम अच्छे तरीके से इसको मतलब वाश तो करके रखते ही हैं, उसके बाद चूहों की वजह से मतलब कि उनके पाँव लगे हैं या मुँह लगाते हैं जो भी है, फिर दोबारा से थोड़ा बहुत पानी ऊपर फेरते हैं फिर मतलब कि इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे आप सोच रही हैं, हम भी मुसलमान हैं, बाकी कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें बताया तो सही, जो भी है हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो जी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, मेरी तरफ से गुड नाइट, क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं तो लाइट भी हमारी गई हुई है और खाने को भी काफी लेट हो गई है, तो अभी मैं की हो रही लकड़ लागे तो ना काम भी छोटा लागे, तो अभी सालन बना रहे हैं, लाइट पता नहीं कब आएगी, तो ये हमने टॉर्च वहां लटका दी, टॉर्च लटका दी है, बाकी कोई नहीं कलम करेगा, अभी तक सारा बर्तन की तबीयत खराब है और उसको कमर में पेन हो रही है इसलिए वो नहीं बोल पाएगी। मैं जनाब उसकी जगह बोलता हूँ कि लाइट आजकल बहुत जा रही है, सर्दी के मौसम है, सर्दी के मौसम में भी लाइट जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए। बाकी अगर कलम करेगा, अभी सालन में हम गोश्त दाल बना रहे हैं और आज काफी ज्यादा शायद लेट हो जाएगा, क्योंकि नहीं भैया ना दे थोड़ी जो पानी सालन के अंदर दही भी डालेंगे हम थोड़ी थोड़ी, बाकी अल्लाह करम करेगा। मेरी गाल से
मैं मशवरा देना मैट्रिक मेरी क्लियर होने वाली है होने वाली है तुसी मेनू बाहर बाहर गल दी हां जी हां ते ओथे मैं ना तीन दिन शादियां करा के आहा रह लिसा आहा तुसी चैनल च ला दे रहो आहा नहीं मैं हुण मजाक कर मजाक ही लावा किले पैसे सारिया वेच के किला जमीन लै लिसा मुड़ मैं सानू पैसे गलत इंज करके जेडिया ना गाय बनाई रखे है जिस जमीन दे सारे पैसे क्लियर हो जाए मुड़ वेच के मुड़ जमीन लै चलो ठीक हो गया जी आपकी बात पर गौर किया जाएगा दरवाजा खोल गलने बाहर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इना नहीं हो इना नहीं सारा कुछ मुड़ गर्म जी वे लगना ही तू तर तू ना मेरे बारे नहीं जा निकल 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 दो तीन गोटियां दे दे मुझे और मैं मिसाले के साथ रोटी खा लूं मेरे मुंह में पानी आ जाता बार बार क्या करूं लेकिन कह रहा बरकत कह रही कि नहीं बाबा जी पानी आ क्या दे ला पानी पी ले कर दो तीन कट दे माशाल्लाह जी सालन में पानी हमने डाल दिया है बाकी मैंने जनाब सालन वगैरह खा लिया अपना वो मिसाले वाला मजेदार था जनाब मजेदार तो अभी फिलहाल मेरी तरह बरकत मेरी रोटी ना बनाइएगा अपनी बना लीजिएगा नहीं वो वैसे एक खा दी है देखा जावे तो मेरा दिल तो और कर सकता है दो खा दिया है तो अभी फिलहाल मैंने शाम का खाना खा लिया माशाल्लाह जबरदस्त हो गया तो इस वीडियो को जनाब यहीं पर एंड करने लगे अगर किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि हमें भी कुछ हौसला अफजाई मिल जाए बाकी कोई अल्लाह करम करेगा और जो बाहर है ना वो मुझे बुला ले अपने पास मैं आपके पास अच्छा जी सुन लो बाहर बुला लो जो बाहर है इनको बुला लेना भाई भाई हमारा मुंडा जो है ना वो फुल तैयार है बाहर जाने के लिए बाकी कोई अल्लाह करम करेगा जी देखा बैटरी लो होगी टड़ाऊ की आवाज आ गई तो इसी लोग का यही पर एंड करते हैं अल्लाह हाफिज अल्लाह नी के पान ए की पान लगी पत्ती पान लगी वाह पहली बार देखे सालन शर्म करते अल्लाह की कसम शर्म सारा शहर वेख मार कई को की फ्रूट है किथों निकलया बड़ा निकिया नी के फ्रूट रिया है किथों निकलया